देखो बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान दो। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन एपी जीपी में ऐसे आते हैं जहां पर हमें कुछ टर्म लेट करने होते हैं। जैसे कहते हैं कि भाई एपी में इतने टर्म्स हैं, उनका सम ये है, उनका प्रोडक्ट ये है ना। या जीपी में भी ऐसा बोलते हैं कि भाई जीपी के ये तीन टर्म्स हैं, उनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है ना। तो देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो हमें अगर एपी में तीन टर्म मानने हैं तो हम ऐसे मान सकते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी। चार मानने हैं तो ऐसे मान सकते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी मान सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हम टर्म्स ऐसे माने, जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया उसमें एपी में तीन टर्म्स लेने हैं, तो हम ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी माने, या चार टर्म लेने हैं तो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी माने, तो क्या होता है, इन इस तरीके से अगर मानने से कई बार क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो टर्म्स मानने का एक और तरीका होता है जिससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। जैसे मान लो अभी पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, उसमें जीपी में तीन टर्म लेने थे, तो हमने जीपी के तीन टर्म्स ऐसे मान लिए थे, ए ए आर ए आर स्क्वायर है ना। तो इसकी तुलना में अगर हम ये तीन टर्म मानेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। तो देखो एक तरीका होता है जिसमें अगर टर्म्स मानने हैं तो उससे क्वेश्चन काफी इजी होता है। देखो क्या है ना, देखो कॉन्सेप्ट ये है, टर्म्स ठीक है टू बी अज्यूम्ड इन एपी, मतलब टर्म्स एपी में क्या माने जाए। देखो जैसे अगर कभी हमें थ्री टर्म्स मानने हैं एपी में तो ये मानने चाहिए ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है ना। देखो अगर हमें कभी भी एपी में तीन टर्म्स मानने हों तो हमें ये मानने चाहिए। वैसे तो हम ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे कई बार क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। इसी प्रकार अगर देखो जीपी की बात हम करें और अगर हमें कभी भी तीन टर्म्स मानने हैं तो ऐसे मानने चाहिए ए बाई आर ए और ए आर ठीक है। इसी प्रकार देखो अगर हमें फाइव टर्म्स मानने हैं एपी में तो ये मानना चाहिए ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी और ए प्लस टू डी है ना। इसी प्रकार जीपी में अगर हमें फाइव टर्म्स मानने हैं है ना, तो देखो ये मानना चाहिए ए बाई आर है ना स्क्वायर और ए बाई आर ए ए आर और ए आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हमें चार टर्म्स मानने हैं एपी में तो देखो ये मानने चाहिए ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। देखो अगर हमें चार टर्म मानने हैं एपी में तो ये मानने चाहिए। इनको मानने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं। वैसे मानने को जैसे अगर आपको चार टर्म एपी मानने हैं तो आप ये मान सकते हैं ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा। अगर मान लो एपी में ये चार टर्म मान के चले तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा इससे कई बार मुश्किल हो जाता है और इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, बताएंगे भी आपको एग्जाम्पल है ना। इसी प्रकार देखो जीपी में अगर हमें चार टर्म्स मानने हैं तो ऐसे मानने चाहिए ए बाई आर क्यूब ए बाई आर ए आर और ए आर क्यूब, ये चार टर्म जीपी में मानने चाहिए है ना। एपी में ये पांच टर्म मानने चाहिए है ना, सॉरी पांच टर्म मानने तो ये मानने चाहिए, तीन टर्म ये और चार टर्म ये। इसी प्रकार देखो एपी में, तो अगर ये भूल जाओ तो आप अपने सिंपल भी मान सकते हो। जैसे मान लो जीपी में चार टर्म मानने हैं तो ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब आप ऐसा मान सकते हो चार टर्म जीपी में, उससे भी क्वेश्चन निकलने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे मानोगे तो क्वेश्चन ज्यादा आसानी से निकल जाता है, और अगर ये बातें भूल जाओ तो अपना जो बेसिक तरीका है उससे ही मानो। भाई एपी में तीन टर्म मानने हैं तो ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी मान के चलो, सवाल होगा, कन्फर्म है होगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन होगा। और अगर ये बातें याद रही तो सवाल और आसानी से हो जाएगा, ध्यान देना। तो टर्म्स क्या माने जाएं ये मैंने आपको देखो सिखाया, क्योंकि इसका हमें थोड़ा सा अभी यूज करना है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।